शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मम्मी झूला है झूला, मजा आएगा। मम्मी आइसक्रीम। आइसक्रीम तो हम भी खाएंगे भाई। हाँ। आहा बाबूजी, तुम भी, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए। बहाना नहीं, आइसक्रीम चाहिए। बच्चे के साथ बच्चा हो जाता है। आओ बेटे, आओ चलो। अच्छा चलो चलो चलो। तुम क्या करते हो? वनीला खाना। अच्छा वाला देना। मैं तो चॉकलेट खाऊंगा भाई। ये लो किशन। किशन, किशन कहाँ गया? किशन, 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 अबे वो देख, ले चले, चल। अले 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 अले, रोते क्यों हो बेटे? मम्मी कहाँ? अरे हम तुमको तुम्हारी मम्मी के पास ले चलते हैं बेटा। मुझे मम्मी के पास चला। बच्चे को कहाँ लेके जा रहे हो? बच्चा हमारा है, इसे हम कहीं भी ले जाएं। तुझे इससे क्या? बच्चे को मेरे हवाले कर दो वरना। किशन, 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 मम्मी, कैसी माँ हो तुम? एक बच्चा नहीं संभाला जाता तुमसे? अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता तो वो गुंडे इसे उठा कर ले गए होते। अगर इसे कुछ हो जाता तो हम सबका क्या हाल होता? यही एक रोशनी है जिंदगी की, अगर यही बुझ जाती तो हम सब ठोकरे खाते फिरते। आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा कह गया, क्या कि मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मैं भी किशन को बहुत चाहता हूँ ना। अरे आपका खून निकल रहा है। बहू, जमाने का कुछ ख्याल, कुछ एहसास है तुम्हें? आज तुमने जो कुछ किया मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने क्या किया माँ जी? भरे मेले में किसी गैर का हाथ पकड़ना, अपनी साड़ी फाड़ कर पट्टी बांधना किसी शरीफ औरत को शोभा नहीं देता। उन्हें चोट लगी थी, खून बह रहा था, और फिर उन्होंने हमारे बच्चे की जान बचाई थी। एहसान मैं भी मानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने आप को भूल जाओ। एक जरा सी बदनामी सारे खानदान की नेकनामी को ले डूबे। तुम्हें अपनी लाज के साथ साथ घर की इज्जत का भी ख्याल रखना चाहिए। आइंदा तुम आनंद से नहीं मिलोगी बहू। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। किशन कहाँ है? वो नहीं है। और ये शदा? वो भी नहीं है। मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा मिलता चलूं। आप हमेशा इधर से ही क्यों गुजरा करते हैं जी? पूछ सकती हूँ आप यहाँ क्यों आते हैं? मैं किशन को देखने आता हूँ। बच्चे का बहाना बहुत हो गया, यहाँ बार बार आपका आना ठीक नहीं है। आप इस दरवाजे से आएंगे और हमारी बदनामी इसी दरवाजे से बाहर जाएगी। आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं सब समझ रही हूँ। मेहरबानी करके आप आइंदा यहाँ मत आया कीजिए। देवी जी, उस तरफ पानी बहुत भरा हुआ है, कोई टैक्सी वाला जाने को तैयार नहीं है। किशन, आप और यहाँ? इसको लेकर बाजार आई थी। अंकल, जाने के लिए टैक्सी भी नहीं मिल रही है। टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल है, सारे रास्ते बंद है,
आप ऐसा कीजिए, मेरे घर चलिए और बारिश रुक जाए तो चले जाइएगा। नहीं, हम लोग चले जाएंगे। देखिए आप भीग रही हैं, ये भी भीग रहा है। मम्मी चलो ना। नहीं बेटे, आप खामखा जिद करिए, आइए ना, आइए। अरे काका, किशन को अंदर ले जाओ और इसके बाल अच्छी तरह पोंछ देना। जी। और सुनो, गर्म शॉल भी लपेट देना। अच्छा मालिक। अरे आप भी तो बिल्कुल भीग गई हैं। नहीं तो। नहीं तो क्या, मैं भी कुछ लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। जरूरत क्यों नहीं, मैं अभी आया। ये लीजिए, अपने गीले कपड़े बदल डालिए। जी। आप इस तरह भीगी रहेंगी तो बीमार पड़ जाएंगी। प्लीज, ये देवकी की साड़ी है, आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? उस तरफ कमरा है। अरे वाह मालिक, खिलौने चाहिए? हाँ। अच्छा चलो। इस साड़ी में आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आइए, चाय पीजिएगा। लाइए, मैं बनाती हूँ। आज देवकी की याद होने को कौन टाल सकता है? अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। कहिए। आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? जी, मेरा मतलब है आपका कोई बच्चा तो है नहीं, बिल्कुल अकेले हैं आप। यह अकेलापन तो मैंने जानबूझकर खरीद लिया है, कुछ तो वक्त ने लूट लिया और जो बाकी बच गया था उसे मैंने दूसरों पर लुटा दिया। सोचता हूँ बदले में मुझे क्या मिला। आप अपनी कुर्बानियों का बदला चाहते हैं? कुर्बानी तो बदला नहीं चाहती, लेकिन दिल का चैन भी तो नहीं छीन लेती। कुछ शांति किशन को देखने से मिल जाती थी, वो भी दुनिया वालों से देखी नहीं गई। आपकी माताजी ने मेरे लिए अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन अगर आप चाहती तो अपना बच्चा किसी भी तरह मुझे दिखा सकती थी। ये कैसा अंधेर है कि सारी दुनिया उसे देख सकती है और मैं ही उसे नहीं देख सकता। लेकिन क्यों, किशन साहब के क्या रिश्ता है? किशन आपका बेटा तो नहीं? फिर आपके दिल में उसके लिए ये तड़प क्यों है? क्यों है ये तड़प? किसी बच्चे को बाप जैसा प्यार देना कोई गुनाह नहीं है। अगर किशन बिन माँ का बच्चा होता तो यही प्यार इंसानी हमदर्दी कहलाता, लेकिन आज ये गंदगी है, कलंक है, इसलिए कि तुम खूबसूरत विधवा हो जवान। बाबू बस कीजिए, मैं आपको अपने बच्चे का वास्ता देती हूँ। बस कीजिए, बस कीजिए। मम्मी, अंकल के यहाँ बहुत सारे खिलौने, बहुत मजा आया। किशन, मुझे घर ले चल बेटे, मुझे घर ले चल। मम्मी, लेकिन अभी तो टैक्सी नहीं मिलेगी, जब बारिश रुक जाएगी फिर मैं तुम्हें ले चलूंगा। किशन, बहुत देर कर दी बहू। बारिश में फंस गए थे माँ जी, कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। और वो तो अच्छा हुआ दादी, इतने में अंकल की गाड़ी आ गई, वो हमें अपने घर ले गए। तुम लोग अंकल के घर गए थे? रास्ते में पानी भरा हुआ था और उन्होंने जिद की, फिर बारिश भी बहुत तेज थी। हाँ दादी जी, मम्मी तो बिल्कुल ही भीग गई थी। अंकल ने दूसरी साड़ी दी पहनने को, मम्मी साड़ी में बहुत अच्छी लग रही थी। किशन, किशन, ये किशन के खिलौने
आप मेरे घर बुलाई थी। आपको आने की क्या जरूरत थी? किसी से भिजवा देते? समझा, मेरा यहाँ आना आपको भी अच्छा नहीं लगा। सवाल अच्छे बुरे का नहीं है। तो फिर और क्या बात है? क्या मैं पूछ सकता हूँ मुझे इस घर से नफरत क्यों मिल रही है? क्योंकि हर घर रिश्तों से बंधा हुआ है। आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, फिर क्यों आते हैं आप? मैं आपसे कह चुका हूँ ना, मैं किशन के लिए आता हूँ। लेकिन दुनिया तो ये नहीं समझती। मुझे दुनिया की परवाह नहीं है। मगर मुझे, मैं दुनिया की नजर से गिरना नहीं चाहती। लोग मुझ पर उंगलियां उठाते हैं, मैं अपने सफेद आंचल पर बदनामी का एक भी धब्बा नहीं पड़ने दूंगी। कब मैंने तुम्हें उस नजर से देखा है जिससे तुम पर कोई कलंक आए? कब तुमने ये सोचा कि मैं तुम्हारी मजबूरी से फायदा उठाना चाहता हूँ? कब तुमने ये अंदाजा लगाया कि मैं अपनी इंसानियत से गिर गया हूँ? मुझ पर रहम कीजिए, आप यहाँ मत आया कीजिए। मैं अपनी बदनामी का एक पल भी सहन नहीं कर सकती। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ से जाइए और फिर कभी मत आइएगा, कभी मत आइएगा।